राधे राधे जय श्री कृष्ण। और इस वक्त हम मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर में हमारी फैमिली के साथ, और अभी जो है भोग का टाइम हुआ है, इसलिए जो है इसका जो पट है वो बंद है। कुछ देर में हमें बांके बिहारी की अद्भुत छवि के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं, उसी के लिए हम कतार में हैं। और वृंदावन और मथुरा धाम की यात्रा जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन के साथ। ये अति प्राचीन मंदिर है और इसके दर्शन का अलग ही महत्व है, तो हम सब बहुत उत्सुक हैं उनके दर्शन के लिए। जैसे ही समय होता है हम दर्शन करेंगे बांके बिहारी का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी वाइफ ऋतु और मम्मी पापा जो हैं थोड़ा थक गए हैं, खड़े खड़े वहाँ बैठे हुए हैं, और देखते हैं बांके बिहारी की देख चटा मोरो मन हो गए लटा पटा। तो देखते हैं छवि।
बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने जब आप चाहते हैं तो चप्पल का बड़ा लोचा है, आप जो चप्पल पहन के आए वो चप्पल आपको दोबारा पहनने के लिए नहीं मिलती, इसलिए बांके बिहारी की कृपा समझकर जो भी चप्पल मिले उनको पहनकर आ जाइएगा, क्योंकि आपकी चप्पल भी कोई और बांके बिहारी की कृपा समझकर जो है पहन के चला जाता है। तो बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करते समय आपकी चप्पल ज़रूर बदल जाती है। तो वृंदावन में हम आए हुए हैं भोगल आश्रम, जहाँ पर भोजनालय है, 50 रुपये में अनलिमिटेड सादा खाना मिलता है, बढ़िया पटली पर थाल रख के जो है आपको भोजन कराया जाता है ज़मीन में बिठाल के। देखते हैं कैसा है यहाँ का भोजन करने का अनुभव। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरा पारंपरिक तरीके से जो है भोजन कराया जा रहा है, लकड़ी की पटली बनाकर उस पर जो है थाल रखकर जो है ज़मीन पर बैठ के पारंपरिक ढंग से जो है यहाँ पर भोजन कराया जाता है, जो कि एक सुखद अनुभव देता है इस सनातनी परंपरा में निर्वहन करने का। तो वृंदावन में अगर आप सादा खाना सबसे कम पैसों में खाना चाहते हैं और बेहतरीन स्वाद वाला, तो आप जो है श्री भगवान भजनाश्रम भोगला आश्रम जो है आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सादा और बहुत ही बढ़िया भोजन मिलता है, जो आपको लकड़ी की पटली पर थाली रखकर जो है ज़मीन में बिठाल कर कराया जाता है। भोजन बहुत ही प्यार से, बहुत ही आत्मीयता के साथ जो है अनलिमिटेड भोजन, जब तक आपका पेट ना भर जाए तब तक आपको ये भोजन कराया जाता है। जैसे कि आप पीछे हमारे जो ये आश्रम देख रहे हैं भोगल आश्रम, बड़ा सा विहंगम इसका जो गेट बना हुआ है जो दिख रहा है, तो वृंदावन आए तो यहाँ के भोजन का आनंद ज़रूर लें। वैसे तो हम बड़े शहरों में लग्जरी होटल्स में जाके भोजन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है भोजन करने का आनंद ही कुछ होता है सनातनी प्रक्रिया में, तो इसका आनंद आप ज़रूर लें। तो श्री बांके बिहारी वृंदावन धाम में हमारा पहला दिन समाप्त होता है। हमने जो विश्राम के लिए चुना है श्री राधा सेवा ट्रस्ट जो है, यहाँ पर जो है हम विश्राम कर रहे हैं। तो श्री बांके बिहारी लाल वृंदावन धाम में ये हमारा पहला दिन था। इस सीरीज़ में अभी हम और ब्लॉग लेकर आएंगे, सीरीज़ में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। तब तक जय श्री राधे, जय वल्लभ गोपाल, जय हिंद, जय भारत।